Bismillah Rahman Rahim assalamu Alaikum dear students myself Dr Saitanoorain and today we are going to solve the short answer questions and numerical problems of chapter number 1 measurements of intermediate part 1 according to the new smart syllabus of FSc and ICS part 1 students of physics let's watch now according to the new smart syllabus फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट फोर फ्राम द एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो आपके शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन है उनमें हम स्टार्ट करेंगे वन पॉइंट फोर से मैंने टिक मार्क कर दिए उन तमाम क्वेश्चन कोमेरिकल को जो अकॉर्डिंग टू द न्यू स्मार्ट सिलेबस हमने सोलव कर दिए सो थ्री स्टूडेंट मई य लेंथ ऑफ अडल विद स्केल ऑन विच मिनिमम डिविजन इज वन मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज दिस रीडिंग नंबर वन जीरो प्वाइंट टू वन फोर फाइव मीटर नंबर टू इज जीरो पॉइंट टू वन मीटर एंड नंबर थ्री इज जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई ये क्वेश्चन है सबसे पहले वन पॉइंट फोर वाला आपके स्मार्ट सिलेबस में जो उन्होंने कहा है कि आपने अटैम्प्ट करना है तो उन्होंने कहा है कि तीन स्टूडेंट्स uh, हैं उन्होंने ये तीन रीडिंग्स ली हैं और आप बताएं और किससे ली है मिली मीटर स्केल के ऊपर लिए यानी आप समझ लें कि स्क्रू गेज के हेल्प से अगर उन्होंने कोई मेजरमेंट की है तो ये तीन रीडिंग्स हैं जो वो मयर कर रहे हैं अब बताएं कि इनमें से किन तीनों में से किसकी रीडिंग जो है वो करेक्टली मयर है तो मिली स्केल स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें uh, जि, मिली की जो प्रिफिक्स मिली होता है उसकी उसकी वैल्यू होती है टर्न पॉवर माइनस इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपकी ठीक होगी जिसके पास डेसिमल के बाद थ्री रीडिंग्स हो। अब इसके पास डेसिमल के बाद वन टू थ्री फोर यानी ये फोर डेसिमल प्लेसेस है डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि इसके पास डेसिमल के बाद फोर रीडिंग्स है सेकंड रीडिंग देखें तो इसके पास डेसीमल के बाद टू रीडिंग्स है ये सेंटीमीटर स्केल को शो है जबकि ये जो रीडिंग है थर्ड रीडिंग जिसमें डेसिमल के बाद तीन रीडिंग्स हैं यानी जीरो टू वन फोर ये थ्री डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है इसका मतलब है आपका ये वाला जो आंसर है थर्ड वाला ये करेक्ट है क्योंकि मिलीमीटर स्केल में आप जब भी रीडिंग मयर करते हैं तो डेसिमल के बाद तीन रीडिंग्स आप मयर कर सकते हैं So, in these records, ये जो आपका थर्ड वाली रीडिंग है जीरो पॉइंट मीटर इज मोर करेक्ट देन द अदर रिकॉर्ड बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज वन मिलीमीटर विच कैन भी रिटर्न एज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर सो अडिंग टू दिस फिगर द स्टूडेंट मैयर द टाइप ऑफ द रिकॉर्ड इज करेक्ट यानी ये वाला जो रिकॉर्ड इसने मैयर किया है जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर ये वाला रिकॉर्ड इसका कोरोक्ट है मिलीमीटर स्केल आपको मैंने बता दिया कि स्क्रू गेज की हेल्प से आप मैयर करेंगे स्क्रू गेज का लीट काउंट है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर सो दिस रीडिंग इज मोर एक जिसके पास डेसिमल डेसिमल के के बाद बाद वैल्यूज़ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? है? है क्योंकि मिलीमीटर स्केल में में होती नो कम अप द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे question, अब हमारा कौन सा इंक्लूडेड इंक्लूडेड है? वो नंबर है जो आपके स्मार्ट एक्सप्लेन अब डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस स्टडी ऑफ द डायमेंशन को कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस जो कि आपको क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ एनी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज की जो क्वालिटेटिव नेचर है और स्पेशली हम डायमेंशन एनालिसिस में बेस क्वांटिटीज की मदद से हम डायमेंशन को राइट डाउन करते हैं विद इन द स्क्र ब्रैकेट्स तो डायमेंशन एनालिसिस जो है हमें कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यानी कॉन्स्टेंट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता क्योंकि कॉन्स्टेंट्स जो है डायमेंशन हमेशा वेरिएबल्स की होती हैं जो उनकी क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द वेरिएबल्स को शो करता है और उनकी फिजिकल क्वांटिटीज को आप किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज को स्पेशली आप किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं uh, उनके बारे में एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेशन देता है सो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता सो द डायमेंशन एनालिसिस ड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ले सकते हैं ये आपने uh, जो है स्पीड का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन अंडर रूट ओवर रो तो यहां से आप ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आप लिख रहे हैं और इसमें भी जो एक कांस्टेंट आता है इसके बारे में या इसके अलावा आप टाइम पीरियड का फॉर्मुला भी इधर राइट कर सकते हैं कि टी इज इकुल टू पाई अंडर उलोर जी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फॉर्मुला ये ऑलरेडी पढ़ा होगा उससे भी आप बता सकते हैं कि वहां पर जो टू पाई कॉन्स्टेंट होता था उसके बारे में भी आपको डायमेंशन एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती और जिस कॉन्स्टेंट के बारे में भी वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा सो द नमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट कैन नॉट डिड विद डायमेंशन एनालिसिस आप उसको डिटरमाइंड एनालिसिस की मदद से नहीं

अब अगर आप इसकी यूनिट्स लिखें यूनिट कैसे लिख सकते हैं मैथ्स की यूनिट जो है वो किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ एक्सोलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्केयर इस तरह से एंड डिवाइडेड बाय एरिया एरिया याद रखें हमेशा दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से आता है एरिया शुड बी द लेंथ टू वेट या लेंथ इन ब्रेथ को मल्टीप्लाई अगर आप करें दो चीजों को तो तब आपके पास एरिया आता है सो द यूनिट ऑफ एरिया शुड बी मीटर स्केयर जब कोई चीज दो चीज जब कोई आपके फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो चीजों को दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने से आ रही है लेंथ और ब्रेथ को या लेंथ और ब्रेथ को तो फिर वो एरिया कहलाती है और उसकी यूनिट जो है वो मीटर स्क्यर होती है अब ये आपने यहां पे राइट डाउन कर दिया इस मीटर स्क्यर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर की पावर माइनस टू हो जाएगा और आपको पता है मैथ्स का रूल है कि अगर दो वैल्यूज़ नीचे जो बेस हैं दोनों की वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर जो उनकी पावर्स होती हैं वो एडअप हो जाती हैं सो तो यहाँ पे दो मीटर की वैल्यूज हो जाएंगी एक मीटर की पावर माइनस टू हो जाएगी और एक मीटर की पावर वन हो जाएगी एंड माइनस टू और प्लस वन उनकी पावर्स एड हो जाएंगी तो वो हो जाएगा मीटर की पावर माइनस वन सो दिस इज किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर अब आप लिखने लगे हैं डायमेंशन जब भी लिखनी है तो किस तरह लिखनी है विद इन स्क्यर ब्रैकेट्स आप उसकी डायमेंशन लिखेंगे और किलोग्राम की जगह मैथ आ जाएगा कैपिटल एम मीटर की जगह जो है वो लेंथ आ जाएगा कैपिटल एल बिकॉज मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड की जगह टाइम आ जाएगा कैपिटल टी बिकॉज सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम और जो इनकी पावर्स होंगी जैसी इनकी पावर्स होंगी जैसे मीटर की पावर माइनस वन है तो एल की पावर माइनस वन हो जाएगा और जैसे सेकंड की पावर माइनस टू है तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगा तो जैसी पावर्स उनके ऊपर है उनकी यूनिट्स के ऊपर उसी तरह से आप इधर भी उसको राइट डाउन कर देंगे और कैपिटल लेटर्स में डायमेंशन को लिखना जरूरी होता है मैथ का भी कैपिटल एम लेंथ का भी कैपिटल एल और टाइम का भी कैपिटल टी और जो पावर्स यूनिट्स में आप देख रहे हैं वही पावर्स इनके ऊपर आ जाएंगी विद इन स्क्यर ब्रैकेट ये तरीका होता है डायमेंशन को लिखने का सिमिलरली नो यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी डेंसिटी के डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे डेंसिटी का फॉर्मुला आपको पता है कि डेंसिटी इज द रेशो ऑफ मैथ पर यूनिट वॉल्यूम यानी और वॉल्यूम की रेशो होती है अब मैथ जो है उसकी यूनिट पहले आप इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिखें यूनिट ऑफ डेंसिटी कैसे बनेगी mass की यूनिट किलोग्राम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो लेंथ थिटू वेट थी टू ब्रेड तीन चीजों को मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आपके पास वॉल्यूम आता है सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम शुड बी मीटर क्यूब ठीक है एरिया में मैंने आपको कहा था कि लेंथ और वेट या लेंथ या ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया आता है वॉल्यूम में तीनों चीजों को अगर आपके पास थ्री डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट है थ्री के अंदर तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वे मल्टीप्लाई बाय हाइट और जो वेड है उनको अगर आप तीन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका क्या आ जाता है वॉल्यूम सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब और जब ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा किलोग्राम के साथ सो ये मीटर माइनस थ्री हो जाएगा नो यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी डेंसिटी की डायमेंशन लिखेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू किलोग्राम की जगह मैथ बिकॉज किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मैथ को आपको डायमेंशन में कैसे लिखना होता है मैथ को कैपिटल एम एंड यूनिट ऑफ मीटर मीटर है वो किसकी यूनिट है लेंथ की सो so, मीटर की जगह आप कैपिटल एल लिखेंगे और विद इन स्क्योअर ब्रैकेट और मीटर के ऊपर माइनस क्यूब है उसकी पावर तो आप इसकी जगह यहां पर भी एल की पावर माइनस थ्री लिखेंगे सो so, एक तो कैपिटल लेटर्स के साथ लिख रहे हैं पावर एज इट इज डाल रहे हैं और विद इन स्क्यट्स लिख रहे हैं ठीक है ये डायमेंशन को राइट डाउन करने का तरीका होता है उसके बाद आ जाए डायमेंशन की मदद से हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को होमोजेनिटी को या कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं कि अगर कोई फार्मूला मेरा करेक्ट है होमोजेनियस है कंसिस्टेंट है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं सो so, ये जो आपकी थर्ड न्यूमेरिकल जो आपकी जो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में वो ये है कि द वेव लेंथ द वेव डिपेंड्स ऑन द वेव स्पीड वी ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ लेमडा को उन्होंने कहा कि लेमडा चूंकि वेव लेंथ है तो लेंथ किसी भी चीज की हो वो उसकी यूनिट मीटर होती है और उसको आप एल से शो करते हैं कैपिटल विद इन ब्रैकेट ये उसकी डायमेंशन है इसी तरह स्पीड जो है उसकी डायमेंशन है एल और टी की पावर माइनस वन क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड तो ये इसकी डायमेंशन आप लिख सकते हैं एल टी माइनस वन ठीक है फ्रिक्वेंसी जो है इसकी ऐसा यूनिट तो वैसे हर्ड होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड होती है ठीक है सो आप उसको टी की पावर माइनस वन करके ऐसे लिख सकते हैं विद इन द स्क्र ब्रैकेट ये उसकी डायमेंशन है ठीक है यानी फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट तो ऐसे यूनिट तो हर्ट है ना लेकिन आप उसको सेकंड माइनस वन यानी सेकंड की पावर माइनस वन से भी शो कर सकते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द टाइम पीरियड सो आप इसको यहां पे टी की पावर माइनस वन से उन्होंने आपको शो करके दिया हुआ अब उन्होंने कहा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दोनों फार्मुलज में से एफ इज इक्वल टू वील एम एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा आपने विद द हेल्प ऑफ डिमेंशन एनालिसिस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला जो है वो आपका करेक्ट है होमोजीनियस है या कंसिस्टेंट है अब वो आप कैसे बताते हैं कि अगर आप पहले फर्स्ट केस ले लें पहला पहली क्या है एफ इज इक्वल टू वी लेमडा इन फर्स्ट केस इफ एफ इज इक्वल टू वी लेफ इज द फ्रिक्वेंसी उसकी डायमेंशन क्या है टी की पावर माइनस वन उन्होंने आपको दी भी हुई है और आपको पता भी होनी चाहिए कि क्या है T की पावर माइनस वन एंड वी इज द स्पीड इट्स जो है है वो क्या स्पीडन ऑफ वी क्या है एल टी की पावर माइनस वन ये आपको गिवन है सो लेमडा इज द वेव लेंथ और उसकी डिमेंशन एल है तो अब आप क्या कर सकते हैं उन्होंने आपको फार्मूला दिया है एफ इज इक्वल टू वी लेमडा एफ की जगह आप लगाएंगे टी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू v लेमडा v की डायमेंशन क्या है इधर डायमेंशन पुट कर देना एफ की डायमेंशन पुट कर दें टी की, की पावर माइनस वन वी की डायमेंशन आप पुट कर सकते हैं एल टी की पावर माइनस वन और लेमडा की डायमेंशन पुट कर सकते हैं एल जब आप इस फॉर्मूले में ये तीनों डायमेंशन पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन जाती है फॉर्म सो so, यहां से दिस इज एल स्क्र टी माइनस वन ये डायमेंशन ऑफ एल और एल आपस में मल्टीप्लाई होके एल स्क् हो गया एंड टी माइनस वन तो ये बन जाएगी फॉर्म टी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू तो एल स्क्यूअ टी माइनस वन अब आप देख सकते हैं कि ना लेफ्ट हैंड साइड पे टी की पावर माइनस वन है और राइट हैंड साइड पे एल की पावर माइनस वन है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हम हमारा फार्मूला तब करेक्ट होता है तब होमोजीनियस होता है तब कंसिस्टेंट होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डिमेंशन जो है वो सेम होती है यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम नहीं हो रही है इक्वेशन एफ इजकल टू इज नॉट करेक्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड साइडन अब अगर आप सेकंड केस ले लें सेकंड फार्मूला उन्होंने क्या दिया था एफ इज इक्वल टू वी ओर लेमडा और इसमें वो सारी बातें पुट करें जो हमने पहले पुट किए एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं टी की पावर माइनस वन वी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं एल टी की पावर माइनस वन और नीचे लेमडा है लेमडा की डायमेंशन क्या है एल अब नीचे वाला एल ऊपर वाले एल से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे आप नीचे इसको देख सकते हैं इस तरह से आपने पुट कर दी डायमेंशन अब डायमेंशन जब पुट की हैं तो नीचे वाला एल और ऊपर वाला एल कैंसल आउट होकर दोनों तरफ की डायमेंशन आपको नजर आ रही है टीकी पावर माइनस वन करेक्ट होमोजीनियस और कंसिस्टेंट क्यों बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन क्योंकि दोनों तरफ की डायमेंशन जो है वो सेम आ रही है इसलिए आप कह रहे हैं कि ये आपका फॉर्मुला जो है एफ इज इको टू बी ओवर लेमडा या आपने इसको पढ़ा होगा एज अ वेव इक्वेशन के तौर पर वी इज इक्ट टू एफ लेमडा इस तरह से पढ़ा था आपने तो ये डायमेंशन करेक्ट है होमोजिनियस है कंसिस्टेंट है तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस किसी भी फॉर्मुले की करेक्टनेस को होमोजीनिटी को कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब ये तो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हो गए अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में इसलिए हम उनको ही फॉलो करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है और वो है आपकी स्टार्ट होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से अब ये जो प्रॉब्लम वन है इसमें कहा है कि एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन द किलोग्राम अप टू द अप्रोप्रिएट प्रोसीजन ठीक है टू पॉइंट वन एंड फाइव आपने अब इन मैसेज को ऐड करना है ये जो आपको गिवन मैसेज हैं और जब आप ऐड करेंगे सम ऑफ द मैसेज टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजियन पर फिर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे ये देखिए जब आप इन सारे मैसेज को फोर मैसेज आपको गिवन है इनको आपने ऐड किया सो योर आंसर विल बी नाइनटीन ठीक है किलोग्राम लेकिन आप अपने आंसर को ऐसे नहीं लिखेंगे जब आपने अप आप टू अप्रोपरेट प्रोसीजन इसको करना है तो आप जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है अपने आंसर को आपने शॉर्ट करना है राउंड ऑफ करके कैसे राउंड ऑफ करेंगे आप इसकी डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे आप ये देख सकते हैं ये देखें, देखें दिस इज टू अब इसके पास डेसीमल के बाद थ्री प्लेसिस हैं सेकेंड वन है जीरो इसके पास डेसीमल के बाद थ्री प्लेसेस हैं अलेवन पॉइंट एट इसके पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है और इसके पास डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं टू नंबर हैं आपके पास हमने अपना आंसर कहाँ तक राउंड ऑफ करना था जो कम से कम डेसिमल प्लेस होती है यानी डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर है वो जो कि एक नंबर है आपका बाकी सब में इसमें भी तीन नंबर है डेसिमल के बाद इसमें भी तीन नंबर है इसमें दो नंबर है तो सबसे कम डेसिमल के बाद एक जो वैल्यू है या एक डेसिमल प्लेस है हमने अपने आंसर को वहां तक राउंड ऑफ करना है इसका मतलब है मैंने अपने आंसर को नाइनटीन में से थ्री तक रखना है और जो उसका सेकंड नंबर है नाइन उसको राउंड ऑफ कर देना है अब जिसको राउंड ऑफ करना है यानी मैं नाइन को निकालना चाह रही हूँ तो नाइन पे लगेंगे रूल्स टू राउंड ऑफ और एज यू कैन सी के नाइन जो है रूल्स टू राउंड ऑफ क्या होते हैं कि ग्रेटर देन फाइव है इक्वल टू फाइव है या लेस देन फाइव है इस वक्त ये हमारा नंबर क्या है ग्रेटर देन फाइव है अगर ग्रेटर को आप निकाल रहे हो और वो ग्रेटर देन फाइव हो तो क्या रूल लगता है कि पीछे वाले नंबर में वन एड हो जाता है यानी वो जो थ्री है वो थ्री का क्या बन जाएगा प्लस वन करके फोर सो दिस इज नाइनटीन पॉइंट फोर किलोग्राम ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर ये मैं निकाल रही होती फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज की अगर ये नाइन ना होता नंबर ये फोर होता है लेस देन होता तो फिर पीछे कुछ भी ऐड नहीं होना था और मैंने अपना आंसर एज इट इज 19.3 किलोग्राम लिख देना था और अगर लेट्स सपोज ये नंबर नाइन ना होता और ये फाइव होता जिसको मैंने निकालना था राउंड ऑफ करना था तो फिर मैं देखती कि पीछे वाला नंबर अगर तो थ्री ही होता यानी अगर ये ऑड नंबर होता तो मैं उसमें वन ऐड कर देती यानी ये अगर थ्री है तो ये नाइनटीन हो जाता लेकिन अगर ये पीछे इवन नंबर होता तो फिर मैं उसमें कुछ भी ऐड ना करती ये तब होता अगर मेरा नाइन की जगह जो है वो फाइव होता यानी जिस नंबर को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं अगर वो इक्वल टू फाइव होता तो फिर आप देखते हैं कि पीछे इवन नंबर है या ऑड नंबर है अगर इवन नंबर होता है तो फिर कुछ भी ऐड नहीं करते लेकिन अगर ऑड नंबर होता है तो उसमें वन ऐड करके अपना आंसर लिखते तो ये रूल्स टू राउंड ऑफ थे आपका यहाँ पे जो रूल टू राउंड ऑफ लग रहा था वो कौन सा वाला रूल लग रहा था ये चूंकि आप जिस नाइन नंबर को निकालना चाह रहे थे वो ग्रेटर देन फाइव था तो आपने जस्ट पीछे एक ऐड कर देना था एंड दिस इज नाइनटीन किलोग्राम

एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम की 100 सेंटीमीटर है टाइम फॉर एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर एंड टाइम बाय द स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड ये आपने जो है ये सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं सबसे पहले आप इसका डाटा लिखेंगे डाटा में क्या मेंशन करेंगे व्हाट इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो उन्होंने आपको दी है 100 सेंटीमीटर आप इसको एक ही स्केल में बना लें ऐसा यूनिट की फॉर्म में लिखिए अब ऐसा यूनिट जो है वो लेंथ की आ, जो है वो मीटर होती है तो आप इसको सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे मीटर में बना लेंगे सो दिस इज सेंटी की वैल्यू क्या होती है टेन की पावर माइनस टू सो दिस इज वन मीटर ठीक है तो आप लेंथ लिख लेंगे यहां पे वन मीटर इसी तरह टाइम फॉर ट्वेंटी वाइब्रेशन आपको दिया हुआ टोटल टाइम मीन टाइम जिसको कहते हैं वो क्या है आपका फोर्टी पॉइंट टू सेकंड वो लिख लिया आपने अब आप इससे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड अगर आपको मीन टाइम मिला हो तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन यानी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसकी टाइम पीरियड होता है उसको आप लिख सकते हैं टोटल टाइम टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस सो टाइम पीरियड आपका टोटल टाइम क्या है फोर्टी पॉइंट टू एंड नंबर ऑफ कितनी vibrations के लिए आपने इसको किया था वाइब्रेशन के लिए सो दिस इज फोर्टी पॉइंट टू डिडेड बाई ट्वेंटी तो ये आप टू पॉइंट जीरो वन सेकंड दिस इज द टाइम फॉर वन वाइब्रेशन आपको मिल गया विच इज टाइम पीरियड उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल आपको जो जिससे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट आपको क्या दी गई मीटर स्केल की वन मिलीमीटर mm. आप इसको जो है मिली को टेन से डिवाइड करके मिलीमीटर को इन सेंटीमीटर स्केल आप कर सकते हैं आप इसको टेन से डिवाइड करें जब आप इसको टेन से डिवाइड करेंगे सो दिस इज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर क्योंकि मिली की मिली पर फिक्स है ना इसकी वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस थ्री ठीक है तो अगर आप इसको टेन से डिवाइड करेंगे तो आपका मिली स्केल जो है वो सेंटीमीटर स्केल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां से अब आपने क्या कैलकुलेट करनी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब जब आपने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो टी ये फॉर्मुला उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ है टी पाई अंडर रूट एल ओवर जी पहले आप इस फॉर्मुले को टेक द स्केयर ऑन बोथ साइड क्योंकि हमें जी की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ का स्केयर करें सो दिस इज टी पाई पाए एल ओवर जी ये फॉर्मुला आ जाएगा उसके बाद आप यहां से जी कैलकुलेट कर सकते हैं जी को आप अगर उस साइड पे ले जाओ टी स्क्वायर को नीचे ले सो दिस इज इकल टू फोर स्क्वायर एल ओवर Square, ये फार्मूला बन जाएगा अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हंड्रेड L. L सेंटीमीटर को, को क्या किया था वन हंड्रेड सेंटीमीटर को वन मीटर बना लिया था हमने अपनी ऐसा यूनिट में इसको रखा था तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे वन ठीक है यहां पे हमने लेंथ की जगह एल की जगह वन पुट कर दिया एंड टी टी इज द टाइम पीरियड जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन पे टाइम पीरियड का ये टू पॉइंट जीरो वन सेकंड ये आप इधर पुट करेंगे और उसका क्या है स्केयर है ठीक है टी स्केयर है यहाँ पे उसका आप स्केयर ले लेंगे अब ये सारी कैलकुलेशन को जब आप ये टू पॉइंट जीरो वन का स्केर अब इसको आप सोल्व करेंगे ये सारी कैलकुलशन को तो जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट सेवन सिक्स मीटर पर सेकंड स्केयर विच इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू जो हम अक्सर यूज करते हैं नाइन पॉइंट एट

मिलीमीटर जिसे आपने टेन uh, से डिवाइड करके जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर किया था तो यहाँ पे ये इसकी लीस्ट काउंट हम यहाँ लिख रहे हैं अनसर्टेंटी इन द लेंथ वो उसकी लीस्ट काउंट है अनसर्टेंटी है आपको आपको पता है लीस्ट काउंट किसी भी चीज का जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसकी दरअसल एप्सुलट अनसर्टेंटी होता है और वही उसकी प्रिसीजन होता है तो लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द अनसर्टेंटी और द सी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट दिस इज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर ये इसकी है। और यही है साथी निकालेंगे तो निकालने का तरीका होता है ये मैंने राइट डाउन कर दिया फार्मूला आपके लिए कि जब आपने परसेंटेज ऑनसर कैलकुलेट करनी है के अंदर तो उस पर कौन सा फार्मूला आपने लगाना है कि परसेंटेजी इन लेंथ इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मई वैल्यू एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड आपको मैथ्स का रूल पता है कि जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई करना है साथ आपने उससे डिवाइड भी करना होता है सो so, ये जो वन ओवर हंड्रेड होता है यहां ओवर हंड्रेड है ये आपका साइन ऑफ परसेंटेज बन जाता है ये ठीक है वन ओवर हंड्रेड मीन साइन ऑफ परसेंटेज और आपने कैलकुलेटर पे सिर्फ क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो परसेंटेज आंसर ट्वेंटी कैलकुलेट करने के लिए लेंथ में आप ऊपर उसका लिस्ट काउंट अब ये जो आपने लीस्ट काउंट आपने ऊपर देखी थी लीस्ट काउंट जो है वो लेंथ वाले एक्सपेरिमेंट्स में वो आपने क्या कैलकुलेट की थी यहाँ से आप देख सकते हैं सो द लीस्ट काउंट जो है वो किसके इक्वल थी लीस्ट uh, काउंट जो आपने कैलकुलेट की थी ऑफ मीटर स्केल दिस इज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर जब आपने uh, इसको डिवाइड किया था टेन से मिलीमीटर mm स्केल को तो आपके पास जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर आई थी अच्छा अब आपने मयर्ड वैल्यू जो है वो आपने हंड्रेड सेंटीमीटर ही लेनी है क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी सेम यूनिट्स में आप क्वांटिटी लेते हैं अब आप वन मीटर नहीं लेंगे इसकी ठीक है तो जो आपने मैयर्ड वैल्यू आपने इसकी लिखनी है वो वन हंड्रेड सेंटीमीटर लिखेंगे ना कि मीटर इसलिए क्योंकि अगर आप लीस्ट काउंट हंड्रेड वाली सेंटीमीटर स्केल के अंदर ले रहे हैं या उसके अनसर्टेंटी जो है वो आप सेंटीमीटर स्केल के अंदर ले रहे हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तो मैयड वैल्यू भी फिर आपको सेंटीमीटर स्केल में लेनी पड़ेगी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लीस्ट काउंट तो सेंटीमीटर स्केल वाली ले लें और नीचे मैय वैल्यू जो है वो मीटर स्केल वाली ले लें ऐसा नहीं होता ठीक है जो यूनिट्स आप ऊपर यूज करेंगे लीस्ट काउंट के लिए लेंगे यानी जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तो मैयर वैल्यू भी फिर आप वन हंड्रेड सेंटीमीटर लेंगे और जब आप इसको डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड ये वन हंड्रेड नीचे वाला इस वन हंड्रेड से कैंसिल हो जाएगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है और तब तो आपके पास एंड दिस इज योर साइन ऑफ परसेंटेज ओवर हंड्रेड उसको आप साइन ऑफ परसेंटेज बना लेते हैं सो यू कैन गेट जीरो पॉइंट वन परसेंट तो यहां से आपको जीरो पॉइंट वन परसेंट जो है ये इसकी वैल्यू मिल जाती है ठीक है अब ये तो आपने परसेंटेज अनसर्टेंटी कैलकुलेट करने का तरीका था इन लेंथ एक्सपेरिमेंट्स लेंथ के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें परसेंटेज आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अब आप अगर आपने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स का फार्मूला चेंज था जैसे कि आपने आंसर ट्वेंटी के वो फाइव रूल्स पढ़े होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रूल है और उसके अलावा आपकी जो एवरेज निकालने में और जो आपकी पावर फैक्टर में और ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स ये पांच डिफरेंट तरीके थे जिनमें आप अनसर निकालते थे तो जब हम स्टॉप वॉच की बात करते हैं और अनसर परसेंटेज अनसर इन टाइम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में आपने जो एप्सोलूट अनसरटेंटी निकालने का तरीका देखा था वो ये था कि एप्सोलूट अनसरटेंटी जो है वो इक्वल होती थी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन ठीक है ये फार्मूला आपने वहां पे पढ़ा होगा कि एप्सोट अनसर्टेंटी जो है हमने अभी ऊपर देखी स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट क्या थी जीरो पॉइंट वन सेकंड आप यहां पे देख सकते हैं हमने ऊपर अभी डाटा में लिखा था लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच जो उन्होंने हमें दी थी जिससे हम टाइम मैयर कर रहे थे यहाँ पे एक आपको उन्होंने स्टॉप वॉच उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी है वो किसके इक्वल है 0.1 सेकेंड सो यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज करेंगे कि एज इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस सो लीस्ट काउंट इज 0.1

जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन था अब वो वाली मैयड वैल्यू अब आप लिखेंगे ठीक है आप उससे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे ना तो अब आपने जो इधर मैयड वैल्यू लिखनी है वो क्या कौन सा टाइम की लिखनी है टोटल टाइम की नहीं लिखनी मैयर वैल्यू आप लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू वन वाइब्रेशन विच इज द टाइम पीरियड जो आपने कैलकुलेट किया था ऊपर टू पॉइंट जीरो वन ठीक है एंड देन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हम करेंगे और डिवाइडेड बाय हंड्रेड आपको पता है साइन ऑफ परसेंटेज में चला जाता है यहां ये बन जाता है सो दिस इज जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ठीक है ये मैंने आपको कहा कि नीचे हमने टाइम पीरियड की वैल्यू डाली है ऊपर ये जो आपने अभी निकाली है उसकी जो कि एप्सुलट लिस्ट टेंटी ये वाली ये हमने पुट की है एंड देन हमने उसको सॉल्व किया ये टाइम पीरियड आपने देनेड से कैलकुलेट किया था ये टाइम पीरियड आपने यहां से कैलकुलेट किया था जब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए ठीक है तो मैय वैल्यू में आप ये वाला टाइम लिखेंगे ना कि उसका टोटल टाइम अब हम काम क्या होता है चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप देख रहे हैं आपको जो फार्मूला उन्होंने दिया है उस फार्मूले में आपने देखा के फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं यही हो रहा है ना मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहे हैं बल्कि पावर फैक्टर भी लग रहा है अगर आपको नजर तो ये सारा काम इसके अंदर आपने करना है मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए क्या करते थे हम उसकी परसेंटेज आंसर ट्वेंटी निकाले हमने दोनों की परसेंटेजी निकाली है अब दोनों को ऐड करना है लेकिन चूंकि उसपे पावर फैक्टर भी लग रहा है किस पे लग रहा है पावर फैक्टर टाइम के ऊपर आप देखें इस फॉर्मूला में जी की वैल्यू जब आपने लिखनी है फोर तो कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है इनकी कोई भी अनसर्टेंटी नहीं होती जो कांस्टेंट्स होते हैं ना उनकी अनसर्टेंटीज होती है ना उनकी कोई यूनिट होती है ना उनकी कोई डायमेंशन होती है तो इसको तो आप छोड़ दें इसके बाद एल है और टी ये दो ही वेरिएबल्स हैं हमने लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेंटी निकाली है और हमने टाइम की भी परसेंटेज परसेंटेजेंटी निकाली टाइम पीरियड की क्योंकि ये आम टाइम नहीं है ये कौन सा टी, कैपिटल टी क्या है टाइम पीरियड है तो हमने दोनों की परसेंटेज इसीलिए वैल्यू टाइम पीरियड की डाली थी ना तो अब हमने दोनों की परसेंटेज को करना है लेकिन चूंकि टाइम पीरियड जो वेरिएबल है उसके ऊपर है तो इधर पावर फैक्टर भी लगेगा पावर फैक्टर का मतलब है कि आपने एड करना है टोटल अनसर्टेंटी इन जी निकालने के लिए आपने परसेंटेज परसेंटेजेंटी इन द लेंथ प्लस टू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज परसेंटेजेंटी इन टाइम करके ये आपने टोटल कैलकुलेट

जो फाइनल परसेंटेज 20 जो है वो जी टोटल परसेंटेज परसेंटेज जी आएगी वो दिस इस प्लस इसको आपने उसकी से, 20 से 2 के फैक्टर को पावर फैक्टर लगाया और मल्टीप्लाई करके जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट अब आपने जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट को दोबारा से एपसुलूट इसको अपने आंसर के साथ नाइन पॉइंट सेवन सिक्स मीटर पर सेकेंड साथ इस तरह नहीं लिख सकते दोबारा एप्सुलूट में कन्वर्ट करेंगे अब हम अपनी परसेंटेज सेंट्रटी को दोबारा से एब्सोल्यूट अनसेंट्रटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम उसके ऊपर अपनी जो परसेंटेज अनसेंट्रटी है जीरो पॉइंट सिक्स और परसेंटेज साइन ऑफ परसेंटेज का मतलब होता है वन बाई हंड्रेड सो दिस इज़ीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट सेवन सिक्स नाइन पॉइंट सेवन सिक्स जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये वैल्यू ऑफ जी है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू जो है ये आपकी एब्सोलूट आंसरट्रेंटी आई है इन द वैल्यू ऑफ़ जी जो कि आपने परसेंटेज आंसरट्रेंटी से कैलकुलेट की है अब आप फाइनली इसको अपने आंसर के साथ जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट सेवन सिक्स प्लस माइनस जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्येयर करके लिख सकते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसी तरह प्रॉब्लम वन पॉइंट सिक्स है वट आर द डायमेंशन एंड द यूनिट्स ऑफ ग्रस्टेंट जी ये आपको फार्मूला उन्होंने गिवन दिया आपने इस फार्मूले में से जी जो है जो ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है इसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है इसकी यूनिट और डायमेंशन आपने निकालनी है इसमें कोई ऐसा मसला और कोई परेशानी नहीं है आप क्या कर सकते हैं कि जी को इधर ही रहने दो जो आर्स इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मैसेज इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे इधर से आपने क्या करना है इस फॉर्म में इसको लिख देना है सो दिस इज एफ इंटू आर स्केयर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू और फोर्स को आप मजीद खोल सकते हैं मैथ इंटू एक्सोलेशन करके साथ ही आर स्केयर आ गया और डिवाइडेड बाई ये मैसेज है एम वन आर एम टू आपने न्यूटन ला ऑफ ग्रेविटेशन में देखा है अब आप इसकी यूनिट्स आराम से यहाँ से लिख सकते हैं सो यूनिट्स ऑफ जी किस तरह से लिख सकते हैं मैथ्स की यूनिट किलोग्राम एक्सोलेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्केयर आर स्केयर की यूनिट मीटर स्केयर डिवाइडेड बाय मैसेज है तो ये दोनों के मैसेज की जो जगह जो है वो किलोग्राम यूनिट आ जाएगी एक किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर जो है ये मीटर क्यूब बन जाएगा ये सेकंड जो है ये नीचे आप लिख सकते हैं और किलोग्राम एक कैंसिल हो गया था और नीचे एक किलोग्राम रह गया ये अब इसकी यूनिट बन गई दिस इज द यूनिट ऑफ जी ठीक है अब आप इसकी डायमेंशन इस यूनिट से लिख सकते हैं क्योंकि ये डायमेंशन आप तभी लिख सकते हैं जब आपकी सारी यूनिट्स जो है वो बेस यूनिट्स हो अगर एक भी यूनिट डिराइव यूनिट हो तो आप उसकी डायमेंशन नहीं लिख सकते अब आप इसकी बेस यूनिट्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं दिस इज किलोग्राम सबसे पहले मैथ लिखना ना किलोग्राम ऊपर जाके माइनस वन सो दिस इज एम माइनस वन मीटर की जगह आप लेंथ मीटर का क्यूब है तो एल का क्यूब और सेकंड स्क्वायर है तो इसकी जगह आप ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस टू इस तरह से सेकंड की जगह आप टी लिखते हैं और उसकी पावर माइनस टू हो जाएगी दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी अब आप यहां से इस जो है आप इस यूनिट से आप उसकी एक डिराइव्ड यूनिट की फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं जी को और वो किस तरह से लिखेंगे जैसे आपने शुरू में लिखा दिस इज एफ आर ये आर का स्क्वायर है ये जो है वो टू नीचे आ गया गलती से ये स्क्वायर है इसका डिवाइडेड बाय मैसेज एम वन और एम टू यहां से आप उसकी न्यूटन और आर का चुकी स्केर है सो दिस इज न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर आप इस फॉर्म में भी इसकी यूनिट को लिख सकते हैं लेकिन हम इस फॉर्म से इसकी डायमेंशन नहीं कैलकुलेट कर सकते थे इसलिए नहीं थी कर सकते क्योंकि न्यूटन जो है वो डिराइव्ड यूनिट है और डायमेंशन आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपकी तमाम यूनिट जो है वो बेस यूनिट्स हो फिर आप उसको मैथ लेंथ और टाइम की फॉर्म में राइट ऑन कर सकते हैं दैट्स वाई हमें वहां पे न्यूटन को और फोर्स को जो है वो खोलना पड़ा था और फिर हमने उसकी डायमेंशन लिखी थी तो ये आपका रिजल्ट आ गया दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी एंड यूनिट ऑफ जी अब प्रॉब्लम नंबर वन ये भी बहुत सिंपल है आपने प्रूव करना है कि जो फार्मूला वी एफ इजिकल टू तो वी आई प्लस ए टी जो कि आपकी आ, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपने प्रूव करना है कि ये डायमेंशन करेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वी एफ फाइनल वेलोसिटी वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी ए इज द एक्सोलेशन एंड टी इज द टाइम आपने क्या करना है इनकी पहले यूनिट्स पुट करें फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी और इनिशियल विलास्टियों यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड यहां पे भी आपने डाला मीटर पर सेकेंड एक्सेलेशन की जगह होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज सेकेंड ये एक सेकंड इसके सेकंड से नीचे वाले स्क्वायर से कट जाएगा दिस इज मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड मीटर की जगह अब आप उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कैपिटल एल सेकेंड की जगह टाइम मीटर की जगह कैपिटल एल सेकेंड की जगह टाइम इसी तरह यहां पे भी मीटर की जगह कैपिटल एल सेकेंड की जगह टाइम वेयर अब आप अगर इन दोनों को ऐड करें टी प्लस एल ओवर टी टू इज इज अ अंस्टेंट और आपको कहा था कि कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती एज कॉन्स्टेंट इज डायमेंशन एस सो यू कैन राइट एल ओवर टी इज इक्वल टू एल ओवर टी या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन की फॉर्म में एल टी की पावर माइनस एन माइनस वन विद इन द स्क्र ब्रैकेट इज इक्वल टू एल टी की पावर माइनस वन विद इन द स्क्र ब्रैकेट हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड योर फॉर्मुला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट होमोजीनियस और कंसिस्टेंट आप ये लिख सकते हैं क्योंकि इधर टू जो है वो कॉन्स्टेंट है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं तो उसको हमने इग्नोर कर दिए तो इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हैं फाइनली ये वन प्रॉब्लम आपके उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ना ही इसका टॉपिक वो जो था जिसमें आप टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला वो भी इंक्लूडेड नहीं है तो फाइनली आपकी न्यूमेरिकल है 1.9 शो दैट द फेमस इक्वेशन इज इको टू एमसी स्क्ज डायमेंशनली कंसिस्टेंट होमोजेनियस और करेक्ट आपने ये प्रूव करना है तो कैसे आप प्रूव करेंगे इजिकोडम से स्केयर आपको पता है एनर्जी जो है दोनों तरफ की डायमेंशन लेंगे एनर्जी आपकी क्या है वर्क डन के इक्वल होती है विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जऊल होती है वर्क की यूनिट भी जउल होती है तो आप एनर्जी को वर्क के इक्वल लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट करके फोर्स की जगह न्यूटन सेकंड लाइफ इजिकोड एम वो पुट करेंगे एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट अब आप यूनिट लिख सकते हैं मैथ्स की यूनिट किलोग्राम एक्सोलेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो लेंथ हो वेथ हो ब्रेथ हो रेडियस हो डायमीटर हो हाइट हो इन सब की यूनिट क्या होती है मीटर तो ये आपने इधर लिख दिया अब ये मीटर ये मीटर जो है वो मीटर स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर सो so, दिस इज किलोग्राम अब आप जब डायमेंशन लिखने लगे हैं वर्क की वर्क की कह लें या एनर्जी की कह लें सेम थिंग है सो जब आप डायमेंशन लिखेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे किलोग्राम की जगह कैपिटल एम मीटर स्क्वेयर की जगह एल स्क् और सेकंड, सेकंड माइनस टू उसकी जगह आप टी की पावर माइनस टू लिख सकते हैं ठीक है इस तरह से आप इसको राइट डाउन करेंगे उसके बाद यूनिट ऑफ जो राइट हैंड साइड है ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व की है ना इज इक्वल टू एमसी स्क्वेयर की अब राइट हैंड साइड पे क्या है एमसी स्क्वेयर अब हम उसकी राइट हैंड साइड की यूनिट लिखेंगे पहले एमसी की सो एम इज द मैस किलोग्राम सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड की एक ही यूनिट होती है चाहे किसी भी चीज की स्पीड हो लाइट की हो साउंड की हो या किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की हो सो दिस इज मीटर पर सेकेंड सी की जगह मीटर पर सेकेंड और इसकी पावर क्या हो जाएगी सी का स्केयर है सो दिस इज स्केयर सो दिस इज मीटर स्केयर ओवर सेकेंड स्केयर तो यहां से आप एम सी स्केयर की जब डायमेंशन लिखेंगे उसकी राइट हैंड साइड की तो उसको आप किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं किलोग्राम की जगह आप मैस कैपिटल एम मीटर स्क्यर की जगह एल स्केयर और सेकंड की स्क्यर ऊपर जाके सेकेंड माइनस टू से टी की पावर माइनस टू अब आप देख सकते हैं कि ये वाली डायमेंशन एम सी और ये जो वर्क की डायमेंशन है ठीक है ना Uh, जो एनर्जी या वर्क की डायमेंशन है एम एस्योटी माइनस टू एंड दिस इज ऑल्सो एमएल स्क्योटी माइनस टू ये दोनों इक्वेशन नंबर वन एंड टू जो है वो आपकी सेम इक्वेशन है इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हैज आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्वेर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट करेक्ट और होमोजीनियस इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं ये इसका रिजल्ट है अब आपकी मजीद कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर के इंक्लूडेड आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है सो आई होप जितनी बातें आज हमने की हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हैं आपने सबको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा फिर भी आपको कोई मसला हो कोई परेशानी हो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अंडर द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें में याद रखें That's all for today students you can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications if you really like my lecture then press the like icon also until the next lecture take care allah hafiz